नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। जब हम धान की पनीरी लगाते हैं तो बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। अगर हम हाथ से एक एक पौधा निकालेंगे तो बहुत समय और पैसा लग जाता है, और कुछ खरपतवार ना बच भी जाएंगे। जो बच गए हैं वो हो सकता है कि हमारी पौध के साथ मेन खेत में ही ट्रांसप्लांट हो जाएँ। तो सस्ता और आसान तरीका ये है कि इन खरपतवारों को खरपतवार नाशक दवाइयों से कंट्रोल किया जाए। मार्केट में बहुत सारे साल्ट हैं कंट्रोल करने के लिए, सारे अच्छे काम करते हैं। मोस्टली हम प्री एमरजेंस वीडिसाइड यूज़ करते हैं, मतलब जो खरपतवार को उगने ही नहीं देते, ज़मीन के ऊपर एक परत जमा देते हैं जिनको तोड़कर खरपतवार बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि इनके बीज बहुत छोटे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। ये खरपतवारों को पनीरी लगाने के 2-3 दिन बाद डालने की सिफारिश की जाती है। वो इसलिए की जाती है कि ज़मीन से बाहर निकलने में ये 2-3 दिन तो लगा ही देते हैं, साथ ही हमारी धान की पौध भी जड़ पकड़ लेती है और थोड़ी मजबूत हो जाती है। वैसे ही कंपनियों ने इन खरपतवारों में सेफनर डाले होते हैं जिससे धान की पौध को झटका नहीं लगता। ठीक है, झटका नहीं लगता, लेकिन कुछ असर तो पड़ता ही है। यहाँ मैं आपको मैनेजमेंट का एक बहुत ज़रूरी पॉइंट टिप्स देना चाहता हूँ कि हम धान के बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर अंकुरित करवाकर फिर पनीरी लगाते हैं। अब ये कितने अंकुरित करने हैं ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर 24 घंटे गीली बोरी में दबाकर अंकुरण शुरू हो जाता है और अंकुरण के शुरू होते ही हम पनीरी डाल देते हैं तो अंकुरण को पूरा फूटने और जड़ पकड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ बीज के अंकुरण सूख भी सकते हैं, गर्मी बहुत होती है इन दिनों में। 2-3 दिन बाद जब खरपतवार नाशक दवाई डालोगे तो हमारी पौध इतनी मजबूत नहीं होएगी, कुछ दबाव में आ सकती है। तो करना क्या है, करना ये है कि अंकुरण को अच्छी तरह से होने दें। अगर गीली बोरी को 36 घंटे भी दबाकर रखना पड़े तो कोई बात नहीं, अंकुरण अच्छी तरह से फूटना चाहिए। ये देखिए आप, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से इतना अंकुरण फूट जाए तो आपने पनीरी लगानी है। बस पनीरी लगाने के साथ ही जल्दी ही धान का बीज जड़ पकड़ ले, इन दिनों गर्मी भी बहुत होती है। मैं आपको 2 दवाइयों के बारे में बताता हूँ जिनको हम पनीरी बोने से 2-3 दिन के अंदर डाल सकते हैं। पहली है प्रेटीला क्लोर, जो सोफिट 37.5 EC या इरेज एंड 37.5 EC के नाम से और भी कई हैं मार्केट में मिलती हैं। इसके अंदर कंपनियों ने सेफनर भी मिलाया होता है जिससे धान को झटका नहीं लगता। इन दोनों में से कोई एक दवाई को यूज़ कर सकते हैं। 100 ml की पैकिंग को 1.25 से लेकर 1.5 कनाल एरिए में यूज़ करें, चाहे तो रेत में मिलाकर या फिर खड़े पानी में छट्टा दे दें या फिर स्प्रे कर दें। स्प्रे में 65 से 70 ml को 15 लीटर वाली टैंकी में 1 कनाल में स्प्रे करना है। अब एक दवाई जो मैंने बताई है आपको पाउडर फॉर्म में आती है, उसका नाम है पायराजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP। पाउडर फॉर्म में आती है, ज़्यादा मशहूर जो है ना ये साथी के नाम से, और काफ़ी सारी कंपनियां बना रही हैं ये। 100 ग्राम को 1 कनाल जगह में इसको पानी में मिलाकर, रेत में मिलाकर छिट्टा भी दे सकते हैं या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कल बारिश आई है और ये आप क्यारा देख रहे हो, इसमें हमने आज पौध छटनी है। अब बारिश आई है कल, ये देख रहे हो आप, बारिश काफ़ी आई है, तो हम इसको जो दवाई जो है वो 3 दिन नहीं 2 दिन कल ही लगा देंगे, ताकि जो खरपतवार है उनको तो ये पता नहीं ना कि पौध कब छट रहा है, वो तो जब भी बारिश आई वो तब से उनका अंकुरण शुरू हो जाएगा। तो अब ये मान के चलते हैं कि इस क्यारे में कल से ही अंकुरण शुरू हो गया उनका, खरपतवारों का, और हमें दवाई जो है ना 2-3 दिन के अंदर अंदर डालनी है, तो हम तो इसको कल ही डाल देंगे इसके अंदर। अब अगर किसी कारण से हम इसमें दवाई डालना भूल जाते हैं, बारिश आ जाती है या ट्यूबवेल में कोई कमी आ जाती है, बिजली फेल्योर हो जाता है, हम 2-3 दिन के अंदर दवाई नहीं डाल सकते, तो उसका भी इलाज है। तो एक केमिकल और आता है, एक दवाई और आती है जो है बिसपायरीबैक सोडियम 10% EC, नोमिनी गोल्ड के नाम से मशहूर है, तारक के नाम से आती है, वाश आउट माचो 10% EC होती है, तो इस नाम से आती है। इसको हम नर्सरी डालने के 10 से 12-14 दिन तक हम स्प्रे कर जाते हैं। जब ये खरपतवार उग जाते हैं, 3-4 पत्ती स्टेज में होते हैं, तो हमने इसको दवाई को डालना है। तो ये जो है 80 ml ही डलती है 1 एकड़ में, तो कुल मिलाकर एक टैंकी में 10 ml को जो है 1 कनाल में डालना है, एक टैंकी में मिला के, तो ये उगे हुए खरपतवारों को मार देगी। तो दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई जो भी ऑपरेशन करना है टाइम से करना है। खरपतवार को टाइम से अगर हम सही डोज पे सही समय पर दवाई डालेंगे
तो मर जाएंगे खेत में जो है ना, पौध के साथ नहीं जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।